हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग HT Reacts। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए, उसका टाइटल है कि जनाब, ताइवान मीडिया मॉक्स चाइना बाय प्लेइंग इंडियन आर्मी वीडियो ऑन इट्स नेशनल TV, पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि खुद इतने मज़े ले ले के ये वीडियो पे एनालिसिस दे रहे थे अपना, कि मतलब कहाँ गई वो एक चाइना ने, वो कहते ना, वो तो गुब्बारा निकला चाइना, तो एक सुई लगते ही फट गया। मतलब इतनी आप माइट दिखाते हो तो लितर इंज पे ने कि मुंह दिखाने जोगे नहीं रहे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो नाउ। इंडिया स्पीक्स न्यू चैनल है भाई, जिससे हम आज वीडियो लाए। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों भारत के सेना द्वारा चाइनीज आर्मी को कुटाई की गई वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई है और पूरी दुनिया के लोग इस वीडियो को देख करके हंस रहे हैं चाइनीज आर्मी के ऊपर। किस तरह से एक प्रोफेशनल आर्मी कुत्तों की तरह पिटाई खा रही है। और दोस्तों अब ये लिटरली कुत्तों की तरह भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है और उनके टीवी शो में भी उन्हें दबा के रखते हैं ना, ये बहादुरी देख करके खुश हो रहे हैं। और दोस्तों दूसरी खबर ये है कि अब फिर एक बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है और इस अटैक में पाकिस्तान के 10 लोग मारे गए हैं और कई घायल भी हैं। जिस चीज को देखते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जिनका न लेना न देना पर इमरजेंसी लगा दी गई है। पाकिस्तान मीडिया के कई एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये सिचुएशन बिल्कुल वॉर जैसी सिचुएशन बन चुकी है। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखते हैं। और दूसरी बात, ये वीडियोस जो सामने आ रहे हैं, जो आप जो मेंशन किया आपने सोशल मीडिया पे, जो पुरानी वीडियोस हैं, वीडियो पुरानी हो या नहीं हो, बात ये है कि एंटी तो लगी है, खसलत होती है ना, वो दिखी उस वीडियो में। खसलत ये है कि जो चाइनीज जो सोल्जर्स हैं वो कैसे डर डर के पीछे हटते हैं। एंड आई विल टेल यू देयर इज अ रीजन फॉर दैट। I'll tell you there's a reason for that. देखिए चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है और चाइना में ना वो पैशन नहीं, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो जो एक पैशन जो एक इंडियन सोल्जर में होगा, चाहे हम तादाद में उनसे थोड़े कम होंगे, हालांकि हम वी आर द सेकंड बेस्ट आर्मी आफ्टर देम, वो सिर्फ इसलिए कि हम तादाद में उनसे थोड़े कम होंगे, मगर जो पैशन है ना, जो एक जिगरा है, वो एक इंडियन का जिगरा चाइनीज नहीं कम्पीट कर सकता जिगरे में, बिकॉज वन चाइल्ड पॉलिसी से आप समझ सकते हो ये सारे जो सोल्जर्स हैं ये अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद है, ये इनको बहुत टेंशन होती है हमारी हमारी लाइफ अगर चली गई, हमारे माँ बाप को कौन संभालेगा, बूढ़े माँ बाप को। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जबकि हमारे जो जवान घबरू जवान है वो कुछ नहीं सोचते, दे आर सो पैशनेट अबाउट द कंट्री कि वो मतलब एक बंदा 10 से लड़ सकता है, घर से मां सिखा के भेजती है सबसे पहले मुल्क। जो हमारे सोल्जर्स वैसे वही चीज उन वीडियोस में दिखाई जा रही है कि एक डंडे से उनको कैसे डरा के, जबकि वो पूरे गियर में है, यहाँ से हेलमेट पहना हुआ है, यहाँ से ये गियर पहना हुआ है और ये बिना हेलमेट के बिना किसी, बस डंडे से उनको डरा के पीछे हटा रहे। ये दिखाने का मकसद ये था कि खसलत देखिए कि चाइना ने अगर सोचा भी अटैक करने का तो पहले तो उनके लोग डर के पीछे हटते हैं, ये दिखाने का मकसद था उन पुरानी वीडियो से। जी जी मैडम, ये बताइए, जो आपने वन चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी की बात की है, आप क्या समझते हैं कि इंडिया के अंदर जो जवान है फौजी, वो ज्यादा भाई हैं घर में, तो वो ज्यादा अच्छा लड़ सकते हैं? मतलब उनको फिक्र नहीं है अगर एक भाई की जान भी चली गई तो पीछे और भाई मौजूद होगा, तो ज्यादा आप कह रहे हैं देश के लिए? नहीं भाई, नहीं, ये बात नहीं होती, आप समझते मुल्क के लिए फैमिली होती है that gives you strength and energy for वो एक अलग जो एंगल है। Absolutely, it gives them more confidence है, क्योंकि यहाँ की माएं खुद अपने बेटों को बोलती है कि जा और जा बेटा, और हैं तू जाएगा और भेजूंगी, चाहे जान भी चली गई। When it comes to nationalism, इसी को हम इंडियन नेशनलिज्म कहते हैं। और सिर्फ हमारे जो जवान, जो हमारे भाई जो आर्मी में, सिर्फ वही नहीं, हम जैसे लोग भी देश के लिए मरने के लिए तैयार है। तो दिस इज द स्पिरिट वी हैव। आपको चाइनीज लड़की आपको आके बोलेगी क्या कि मैं देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ? तो ये एक डिफरेंस है, ये आपको समझनी चाहिए। आई फील के जो एक तरह का जो मुस्लिम ब्रदरहुड बना था ना, उसी तरह का एक हिंदुस्तानी ब्रदरहुड बनता जा रहा है पूरी दुनिया में, नॉट ओनली विद इन इंडिया, बिकॉज इंडियन सपोर्टर्स अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं और उनके बीच में, हम सबके बीच में जो यूनिटी है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया एंड इट इज नथिंग टू डू विद मोदी जी। हाँ, मोदी जी ने एक चीज किया कि उन्होंने सबको करीब ले आए, सब कनेक्ट किया एक थॉट के साथ, एंड मुझे लगता है वो हमारी स्ट्रेंथ है, उसमें हम किसी तरह से वीक तो नहीं हो गए।
越来越多的消息出来了，这越来越多的消息出来了。也没得嘞，这个狼牙棒是把一个木头，台湾的，那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 个狼牙棒是
चाइनीज वाली वीडियो में ना ये चाइनीज तो नहीं ताइवानीज जो वीडियो है मीडिया है समझ कुछ नहीं लगी लेकिन देख के मज़ा आया मतलब यार जो फेंटी लगी है ना ये काइंड ऑफ इंडियन आर्मी ने फेंटी लगा के ना चाइना का जो मजाक बना दिया ना उनकी आर्मी का मुझे तो लगता है कि वो साले जो है ना खुदकुशी ना कर लें डर के मारे। देखें एक जज्बा होता है मुल्क के लिए लड़ने का जज्बा होता है और वो हमें जो है ना अपनी ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में तो नज़र आते हैं। माएँ भी घर से भेजती हैं कि जा बेटा वतन वतन पे कुर्बान होना है कोई इशू नहीं है बच्चे तो और आ जाएंगे ठीक है। लेकिन ये चीज़ हमें चाइनीज़ में नज़र नहीं आती है। उनकी एक थॉट प्रोसेस होगा अपना अलग लेकिन वो जज्बा उनमें नज़र नहीं आता। वो चूज़ों की तरह खड़े थे वहाँ पर और ठीक है अपनी जान के लिए सबको होता है लेकिन जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं ना उन्हें अपनी जान से ज़्यादा अपने मुल्क की परवाह होती है। तो फैंटी जो लगी है ना उनकी तो मेरे ख्याल में हैंकी पैंकी करने से पहले ना 10 दफ़ा सोचेगा चाइना अब क्या बात है। और जो एनालिसिस हमने देखा उसमें भी जो है ना कि एक फैक्टर है कि वो अपनी अपनी माँ के इकलौते हैं और उनके पीछे उनके ख़ानदान को कौन देखेगा वो एक फैक्टर है लेकिन स्टिल मैं ये समझता हूँ कि उनमें उनकी उनकी जो साइकी है ना उसमें इस चीज़ की कमी है कि मुल्क पे कुर्बान होने उनमें ये चीज़ नहीं है चाइनीज़ में ठीक है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।